मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे बिना मेरे घर पर पार्टी चल रही है। मतलब बहुत दूर से ना बहुत खतरनाक धमाकों की आवाज आ रही है। जरूरी है सिंचन पेंशन ना कुछ रहा। ये कैसे धमाके हैं भाई? ओ माय गॉड, नहीं मेरे घर पर ओले गिर रहे हैं लेकिन इतने दर्द मेरे दिल को हो रहा है। ये क्या हो रहा है? प्लीज अरे कोई रोक दो इसको। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बर्बाद हो गया मैं। सिंचन पिंचन है, ये क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था सिंचन पिंचन में कोई दिक्कत होगी लेकिन मेरी कार कहाँ गई भाई? ओ हेलो, कौन है इधर? मैं यहाँ पर इस सूट को लेकर रहूंगा। ओ माय गॉड, ये क्या? हल्क लेगा इस सूट को, हल्क लेगा, किसी भी हालत में हल्क लेगा। मैं गाइस ये क्या चल रहा है यार? सिंचन पिंचन तो है नहीं लेकिन यहाँ पर एक ऑल फादर सन गॉड का सूट है और ये थॉर क्या कर रहा है? हुडी ये सब बिजली से फोड़ दूंगा। गाइस ये लोग मेरे घर पर क्या एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं? ओ माय गॉड गाइस, ये सूट कितना ग्रेट है भाई। ये तो जायंट ऑल फादर सन गॉड का सूट है। ये जरूर किसी भी इंसान के द्वारा चलाया जा सकता है। फ्रैंकलिन बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन तेरे बस की बात नहीं है। और गाइस मेरी कार इधर क्या कर रही है? और टोनी स्टार्क ये क्या कर रहा है? तो यहाँ पर तेरे घर में खुदाई कर रहा हूँ जिससे कि नीचे की तरफ से जा सकूं। अरे प्लीज मेरे घर को बख्श दो। हल्क यहाँ पर इस टूटी फूटी कार को और फोड़ तोड़ देगा और जाल को भी तोड़ देगा। अरे मेरे मेरे दिल को क्यों तोड़ रहा है हल्क? तो मेरी कार को तोड़ फोड़ के प्लीज ऐसा मत कर। अरे हल्क ठुक गया लेकिन कार ने इस जाल को थोड़ा खटारा कार। अरे गाइस ये क्या चल रहा है? अरे तुम लोग रुक जाओ, ये मेरे घर पर है, इसको मैं लूंगा। नहीं हल्क हल्क लेगा इस सूट को। गाइस यार फेर बात नहीं है ये। अरे बाप रे ये बकवास कार है, भागो। नहीं 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 प्लीज, मेरी कार को क्या कर दिया इन्होंने? इसमें लिटरली आग लगा दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस मुझे पानी चाहिए, इस कार को ठीक करना होगा। गाइस आप लाइक बटन दबा दो प्लीज जिससे मेरी कार ठीक हो जाए और चैनल सब्सक्राइब। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी कार डिस्ट्रॉय की। हल्क मोटे ये ले दे। तो हल्क को कुछ नहीं होता, हल्क मर्द है। अरे बाप रे गाइस, मैं तुझे जान से मार दूंगा मैं तुझे। बहुत हो गया गाइस, अब मैं कसम खाता हूं ये ऑल फादर सन गॉड का सूट तो मैं ही लेकर रहूंगा। कोई तो रास्ता होगा दोस्तों, कोई तो रास्ता होगा जिससे कि मैं सूट को ले सकूं, मैं इन एवेंजर्स को सबक सिखा कर रहूंगा। गाइस मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। मैं ना यहां पर एक काम करता हूं, ये जो खतरनाक हेलीकॉप्टर है इसमें उड़कर जाता हूं और आसमान से जंप लगा दूंगा। उसके बाद ऑल फादर सन गॉड का सूट मेरा हो जाएगा और गाइस यहां पर जितने भी एवेंजर्स हैं सबके सब देखते रहेंगे मुझे। ऑलराइट दोस्तों, अरे कुछ ज्यादा स्पीड लगा दी गाइस, मैं कोई पायलट थोड़ी हूं जो हेलीकॉप्टर ठीक से उड़ा पाता, कुछ नहीं हो पाया। मेरी किस्मत बिल्कुल खराब है। कोई नहीं दोस्तों, मुझे कोई और तरीका देखना पड़ेगा। एवेंजर्स से पहले कसम खाता हूं वो ऑल फादर सन गॉड का सूट मेरा होगा, तुम लोग बचने नहीं वाले हो, मैं आ रहा हूं। हां तो इस तरह से सूट को लेना पड़ेगा। क्या एक मिनट, ये स्टार्क बोल रहा है इस तरह से? टोनी स्टार्क कहाँ पर है तू? अरे इधर हूँ मूर्ख फ्रैंकलिन, मैं नहीं बताऊंगा तुझे। अरे प्लीज बता देना, मेरी कार भी बढ़ गई है। अच्छा चल ठीक है, वादा कर दूसरे एवेंजर्स को नहीं बताएगा सच में। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। चल तो ठीक है, देख ये पेपर पढ़, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या लिख रहा है ऐसा इसमें? एक मिनट दोस्तों, टास्क टू कम्प्लीट, गेट बिटन बाय गॉडफादर टाइटन। ओ माई गॉड गाइज, मुझे ना गॉडफादर टाइटन को तो कटवाना होगा। और तीसरा टास्क, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। गाइज प्लीज अब तो लाइक बटन दबा दो। हाँ दोस्तों, और साथ साथ में प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और कॉमेंट में एटी गेमर ओपी लिख दो। मैं तो चला यहाँ पर गॉडफादर टाइटन से खुद को कटवाने, हल्क भी आ रहा है। अब फ्रैंकलिन तुझसे मना किया था, इन लोगों को मत बता। मैंने नहीं बताया, उन्होंने खुद सुन लिया, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, रो मत। ए गॉडफादर टाइटन कैसे हो? ये तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हल्क को काट ले, हल्क को पहले काट। क्या मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ जो तुम्हें काटो? अरे प्लीज गॉडफादर टाइटन, हमें काट लो, बाकी सबको छोड़ दो, मतलब मुझे काट लो। अरे मैं नहीं काटूंगा, मुझे गुस्सा मत लाओ। अरे गाइस ये गॉडफादर टाइटन तो मानने को तैयार ही नहीं है, प्लीज गॉडफादर टाइटन भाई काट लेना। गाइस मैंने काम करा, हे गॉडफादर टाइटन, अगर तू मेरे को काटेगा तो मैं बदले में तेरे को यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जायंट गॉडफादर टाइटन बना दूंगा। अबे उल्लू, तू खुद छोटा सा है, मेरे को क्या बड़ा बनाएगा? रुक तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं अबे फ्रैंकलिन फंसवा दिया, अबे ऐसा ऑफर दिया जो तू कर भी नहीं सकता। अरे बहुत बुरा मारा यार, हालत खराब कर दी। अरे गाइस कितना बुरा मार रहा है गॉडफादर। अरे गॉडफादर प्लीज आ जा, मैं काटूंगा नहीं तुमको लेकिन हाँ उठा उठा के मारूंगा जरूर। अरे बाप रे ये ले। अरे दोस्तों कितना बुरा मार रहा है मुझे। ये क्या कर दिया इसने, तो लिटरली मैं हालत खराब ही कर दी। एक मिनट, स्टॉक कहाँ पर गया? टोनी स्टॉक तो ठीक तो है गाइस, स्टॉक को पूरी तरह से खा तो नहीं गया। अरे मैं ठीक हूँ फ्रैंकलिन, थोड़ा इधर पड़ा हूँ। ओ ये रहा, एक मिनट, अगर तू और मैं यहाँ पर हैं
तो अभी इंजर्स कहाँ पर हैं? मुझे क्या पता, मुझे लगा उसने हम सबको पीटा है। नहीं नहीं नहीं, उसने सिर्फ मुझे और तुझे ही पड़क पड़क के मारा है, बाकी अवेंजर्स तो पता नहीं है ही कहाँ पर। जल्दी से उनको ढूंढ, वो जरूर कुछ बढ़िया प्लान कर रहे हैं। नहीं यार, पहले मैं खुद को कटवाऊंगा, मैं पहले कटवाऊंगा समझा, पहले पेपर मैंने पढ़ा था। अरे जो भी हो, हे गाइस अवेंजर्स कहाँ पर हो तुम? गाइस कहीं गॉडफादर डैड ने सबको खा तो नहीं गया? मेरे पास बहुत खतरनाक जेट। एक मिनट, ये तो उनकी आवाज आ रही है। ओह डिड यू सम, हम तो सीधा गॉडफादर डैड को मार के कटवाएंगे। एक मिनट गाइस, ये क्या, स्पाइडरमैन, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर, ये सब के सब इतने खतरनाक प्लेन में? अबे फ्रैंकलिन, ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये मिलिट्री प्लेन है। ये लोग गॉडफादर डैड को मारने का प्लान क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये हमें नहीं काटेगा तो हम इसको काट लेंगे, मतलब काटम कर देंगे। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? अबे ये बच्चों का खेल लिए, अरे बाप रे टांगी तोड़ दी है। अरे ओए चुपचाप काट मुझे, वही मजा आ गया, वही क्या यू टांगी मारो मैंने इसको। अरे यार ये पागल हो चुके हैं, फ्रैंकलिन को रोक। अरे रुक जाओ गाइस, अगर गॉडफादर डैड मर गया तो यहाँ पर ऑल फादर सन गॉड का सूट मिलेगा ही नहीं। ये लोग लिटरली में पागल हो गए, कितनी बुरी तरह से उसको जला रहे हैं। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, उसको छोड़ो। हल्क को काट पहले। अरे कैसे काटो, अरे क्यों काटो, अरे तुम तो मेरी बहन बचाए दे रहे हो। छोड़ो मुझे, इस बार बच गया तो बेटा जान से मार दूंगा, अब पूरा खा जाऊंगा मैं। अबे क्या कर रहे हो गाइस, उसको हटाओ, अगर वो निकल गया ना वहां से बाहर सबको जान से मार देगा। नहीं हल्क नहीं मरेगा। अबे क्या कर रहे हो, हटो ना यहां से। उड़ीन की कसम हल्क, मार इसको, किसकी बैंड बता दे। ये टोनी स्टार्क हमारे साथ नहीं है, ये फ्रैंकलिन के साथ है। अरे यार इसमें साथ ना साथ होने से क्या है, टोनी स्टार्क सही कह रहा है। तू सच में फ्रैंकलिन के साथ है और फ्रैंकलिन तू सच में टोनी स्टार्क के साथ है, ये लो। अरे इसमें बुराई क्या है तो, अरे बाप रे फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है हमारे साथ। हल्क छोड़ दे मोटे, कितना बुरा मारता है यार, बर्गर खा के इतनी स्ट्रेंथ आती कहां से है तुझमें, हल्क और बुरी तरह से मारेगा। अरे गाइस मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा, टांग में मारी। अरे भाई हम तो रहमान, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, वो अवेंजर्स ही मारा है, सबको मारूंगा, तुम सब जिम्मेदार हो। अरे टोनी स्टार्क अब तो गए, अब छोड़ दे पूरा कह के। अरे गाइस ये क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज को तो लिटरली मैं यहाँ पर ये उठा उठा के खा रहा है। ये ले पूरा खा जाऊंगा, काटूंगा नहीं, क्लिप खाऊंगा, आधा कर दिया मुझे। गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज की तो बॉडी आधी बची है फिर भी वो जिंदा है, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। अबे मेरी तरफ आ रहा है फ्रैंकलिन, नहीं 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 नहीं, अरे बुरा काट रहा है ये, हालत खराब कर दी। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, वैसे मेरा काम हो गया, मुझे कटवाना ही तो था, अब यहाँ पर जल्दी जाऊंगा और फादर सन गॉड का सूट लूंगा। मुझे नहीं कटवाना, मुझे नहीं कटवाना, टोनी स्टार्क अपने साथ लेके चल मुझे। सब मरोगे, रुको किस किस को कटवा दा। नहीं मत काट, अरे काट ले जा, अरे पूरा मत खाना बस प्लीज। अरे वाह क्या बात है, इसने मुझे पूरा नहीं खाया। गाइस यही सही मौका है, निकल ले फ्रैंकलिन से। फ्रैंकलिन मेरा पीछे मत आइए, ऑल फादर सन गॉड का सूट मैं ही लूंगा, मुझे ही मिला है यहां पर सबसे बढ़िया काटने वाला जिंदा, जल्दी जल्दी जाता हूं। गाइस यहां पर टोनी स्टार्क तो मुझसे पहले ही जा रहा है, क्या बात है, यहां पर जाल आधा खुल चुका है। फ्रैंकलिन अब ये सूट मेरा हुआ। नो ये क्या है टोनी स्टार्क तेरे पास? ओ माय गॉड, पहला टास्क करने पर मुझे यहां पर एक आयरन मैन का सूट मिला है, वो भी एलिमेंटल आयरन मैन का सूट, क्या बात है फ्रैंकलिन। ये क्या, कोई नहीं गाइस, यहाँ पर टोनी स्टार्क को एलिमेंट आयरन मैन का सूट मिला है, लेकिन मैं तो ऑल फादर सन गॉड का सूट लूंगा। देखिए जाल खुल चुका है, जरिए मेरे लिए ये बस के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। अरे कम से कम मुझे एक छोटा सा ऑल फादर सन गॉड का सूट ही दे दो, अरे प्लीज मेरे को अंदर जाने दो, पूरा तोड़ दूंगा मैं जाल को। गाइस ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है, मैं तोड़ूंगा इसको बेवकूफ फ्रैंकलिन, मेरे पास तो बहुत बड़ी आइडिया है, अब मैं पर आयरन मैन बन चुका, वो भी एलिमेंटल ग्रीन आयरन मैन, इसलिए एक मिनट यार, ये थोड़ा पूरे के पूरे बोर्ड को, अरे टूट जा प्लीज, मेरा तू है और तू मेरा है, अरे यार खुल जा। अरे गाइस ये तो खुल ही नहीं रहा है, स्टार्क नहीं वो सूट मेरा है, नहीं वो सूट मेरा है फ्रैंकलिन, दूर रहियो। अरे बाप रे ऐसा करके तो मैं सूट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सॉरी 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 गलती से बॉम्ब मार दिया मैंने। गाइस ये क्या है, तो पूरे सूट को तबाह कर देगा फ्रैंकलिन, यार अब क्या करें। अरे गाइस मुझे कुछ क्यों नहीं मिला, गाइस मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए था, लिटरली मैं आप सभी ने देखा था ना, मेरे को काटा था यार उस ऑल फादर ने, मतलब गॉड फादर टाइटन ने, कुछ तो मिलता। ओह ये क्या गाइस, मुझे तो यहाँ पर ऑल फादर सन गॉड रिवेंजर हल्का सूट मिल गया। अबे फ्रैंकलिन ये क्या, लेकिन एक मिनट सारे के सारे अवेंजर्स कहाँ पर हैं? और गाइस अभी मुझे ऑल फादर सन गॉड के सूट को भी तो लेना है। हल्क को क्या हुआ ये, हल्क तो यहाँ पर मच्छर हो गया, तुम लोग इतने पावरफुल, हल्क तुम्हें मारेगा, हल्क को उसने नहीं काटा, डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरा खा लिया, हल्क के सूट को ले लेगा, तबाह कर देगा। ए हल्क चुपचाप दूर हट से, वरना हम तो
तोड़ेगा नहीं, समझा? हल्क तुम्हें फोड़ेगा। ओडिन की कसम, मैं इस जाल को तोड़ दूंगा पर बात कर दूंगा, ये सूट मेरा है और मेरा होकर रहेगा, समझे तुम सब अवेंजर्स, ये सूट मेरा होगा। गाइस देखिए यहाँ पर अवेंजर्स फिर से यहाँ पर इस जाल को पूरा बैन कर दिए। अभी तो फ्रैंकलिन, इस बार हमें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, प्लीज दिखा दे, इस बार सच में किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा चल ठीक है, देख ले। लास्ट टास्क टू कंप्लीट, डिस्ट्रॉय लावा गॉडसन एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस प्लीज जल्दी से कमेंट में एटी के मारो पे लिख दो। बाकी मैं तो चला, मुझे यहाँ पर लावा गॉड के बेटे को डिस्ट्रॉय करना है, मेरा काम हो जाएगा। मैं भी आ रहा हूँ स्टॉक, तू और मैं साथ में काम करेंगे, उसके बाद दोनों एक दूसरे को सूट को पहन लेंगे। बात तो सही कह रहा है, हम दोनों एक ही सूट को शेयर कर लेंगे, जल्दी चल फ्रैंकलिन। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये क्या लगता है लावा गॉड को पता था कि हम उसके बेटे को मारने आ रहे हैं? अरे हाँ यार, यहाँ पर इसने अपने बेटे को फुल प्रोटेक्शन दे रखी है, देख रहा है फ्रैंकलिन तो? अरे यार एक मिनट दोस्तों, ये एवेंजर्स कहाँ से आ गए हमारे साथ? हल्क, हल्क भी साथ आया। ओडिन की कसम मैं भी आया हूँ, इस बार तो लावा गॉड के बेटे को किडनैप करके रहूंगा, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? अबे ये लावा गॉड है, उसका बेटा नहीं है, इसका बेटा तो इस जाल के अंदर बंद पड़ा है। ये रहा फ्रैंकलिन, ये रहा लावा गॉड का बेटा, यही है। गाइस लेकिन हम जाल में पहुंचेंगे कैसे यार स्टार्क? ये जाल तो चारों तरफ से पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। हल्क जाएगा, हल्क बॉम्ब फाड़ देगा, बर्बाद कर देगा, लेकिन उसके बेटे को तबाह करेगा। फ्रैंकलिन हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, ये लावा गॉड बहुत खतरनाक है। आइडिया, तू एक काम कर, मेरे सूट से अटैच हो जा, मैं तुझे आसमान से फेंक दूंगा और तू वहां से सीधा जाना लावा गॉड के बेटे के पास और उसको खत्म कर देना। वाह ये आइडिया सही है। ऑलराइट फ्रैंकलिन, इतनी ऊंचाई बहुत है ना? हाँ ये ऊंचाई बहुत है। ठीक है, अब यहाँ से कूद जा और सीधा उस जाल में जाके कूद जा। ऑलराइट ये गया 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 गया। ओके गाइस, अब यहाँ पर मुझे एकदम परफेक्ट लैंडिंग करनी है उस खतरनाक जाल के अंदर, जहाँ पर ऑल फादर लावा गॉड का बेटा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और मैं जा रहा हूँ। अरे पापा जी, ये कौन आ गया मेरे ऊपर? ये कौन है तू? हे बेटा मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुझे पूरी तरह से तबाह करना होगा। ये रे, अरे पापा जी बचाओ। वाह गाइस फाइनली यहाँ पर फ्रैंकलिन पहुंच गया। ये क्या, मेरे बेटे को मारने आए हो या अपनी मौत का बुलावा लेने आए हो? ये लो, तुम्हें तबाह कर दूंगा। हल्क का क्यों पड़ा? उठी ठीक सब, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, अरे बर्बाद कर दिया मुझे। अरे बापरे, पापा जी मुझे बचाओ पापा जी। गाइस क्या करो क्या करो, आइडिया, मैं ना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा बॉम्ब ढूंढ के लेता हूँ और इसके बेटे के पास आके उसे तबाह कर दूंगा। ये ले, जान से मार दूंगा मेरे बेटे को, हाथ भी लगा तो। गाइस लावा गॉड बहुत गुस्सा हो रहा है, जल्दी करता हूँ। एक मिनट गाइस, मुझे यहाँ पर एक गैराज में ना बहुत बड़ा बॉम्ब मिल गया है, पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा था। गाइस एक काम करते हैं, जल्दी इस बॉम्ब को लेकर जाते हैं और यहाँ पर लावा गॉड के बेटे के पास रहते हैं। अबे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार दिया। फाइनली गाइस मैंने कर दिखाया, मैंने यहाँ पर लावा गॉड के बेटे को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक मिनट, लेकिन स्टॉक का टोनी स्टॉक, टोनी स्टॉक कहीं मरना गया? अबे फ्रैंकलिन बहुत मरा, मेरा बेटा मेरा बच्चा। गाइस लावा गॉड तो गया उसके पास, फ्रैंकलिन मेरी तो हालत खराब हो गई, मुझे लेकर चल। ऑलराइट गाइस, हम जल्दी से टोनी स्टॉक को लेकर चलते हैं उस खतरनाक मेरे घर पर खड़े हुए ऑल फादर सन गॉड के सूट को। वाह ये सूट तो अनलॉक हो चुका है और गाइस यहां पर देखिए ये सूट कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, अब इस सूट को हम दोनों पहनने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। चलो गाइस, मैंने और स्टॉक ने सूट को पूरी तरह से पहन लिया है। फ्रैंकलिन यहां पर सबसे पहले मुझे इसकी सुपर पावर शेयर करनी है। गाइस अगर आपको भी इस वाले सूट की सुपर पावर देखनी है तो कमेंट में यस लिखो, अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहां पर इसका सुपर धमाल तो स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो गाइस आज बहुत मजा आया, अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट बार जो लिखना, और हां स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।